सो अगर आप हैं एक प्रॉपर एडवेंचर लेवर एंड चाहते हैं बहुत अच्छा एडवेंचर करना, तो आप थार 4x4 में कन्वर्टेबल वाला वर्जन जरूर पिक करिएगा, क्योंकि भाई एडवेंचर के लिए आपको नेचर से रूबरू होना पड़ेगा, एंड नेचर से रूबरू होने के लिए आपको थार में कोई भी रूफ नहीं चाहिए। जब आपके रूफ नहीं रहेंगे, खुले आसमान के नीचे आप काफ़ी अच्छा नज़ारा देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर ऑटो हब के एक और फ्रेश वीडियो में। भाई पीछे आप देख रहे हैं महिंद्रा थार, आप सब इस कार से वाकिफ है ही। भाई ये कार कितना ही रूल करती है अपने सेगमेंट में, भाई इसका कोई तोड़ है ही नहीं, एंड ना ही इसका कोई अभी तक का उतना ही लाजवाब इसका कॉम्पिटिटर आया है। जो भी कॉम्पिटिटर है उनकी तरफ कोई जाना ही चाहता ही नहीं है, सब लोग चाहते हैं कि बस भाई मेरे पास एक महिंद्रा थार हो, और वो भी क्यों भाई, ये एक आपका मार्क सेट कर देती है सोसाइटी में कि भाई आप कितने प्रेस्टीजियस हैं एंड कितने ही बड़े कार लवर हैं। तो भाई थार इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है अपने सेगमेंट में। तो भाई अभी आप देख रहे हैं महिंद्रा थार का एलेक्स कन्वर्टिबल पेट्रोल में, ये कन्वर्टिबल कार है, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल में भी। चलिए मैं डिटेल में बताता हूँ भाई कार में आपको क्या कुछ मिलता है, एंड क्यों ये इतनी ज़्यादा डिमांड में रहती है, एंड क्यों किसका वेटिंग पीरियड भी इतना ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप फ्रंट लुक देख लीजिए भाई महिंद्रा थार का, कितना ही बेहतरीन प्रोवाइड करा गया है। छोटी सी ग्रिल आपको मिलती है भाई, ये सब चीज़ें तो थार लवर इसको चेंज करा ही देते हैं, वो सब आफ्टर मार्केट ही इसमें सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है। महिंद्रा की बड़ी सी बैजिंग मिल जाएगी, जो यहाँ पर भी आप थार की बैजिंग देख सकते हैं। जो लैंप्स हैं ये आपको हैलोजन बेस मिलेंगे भाई, आप आफ्टर मार्केट तो भाई प्रोजेक्टर सब लोग लगवा ही लेते हैं। यहाँ पे आपको DRL मिल जाएगा, टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, एंड फुल्ली ब्लैक में ही आपको इसका बम्पर प्रोवाइड करा गया है, जिसमें आपको फॉग लैंप की भी प्लेसमेंट करी गई है। बाकी अगर आप टायर सेक्शन देखते तो भाई वो बहुत ही मैसिव आपको प्रोवाइड करे गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको ऑल टेरेन टायर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है OAT ऑल टेरेन टायर्स, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रूव्स में भी महिंद्रा थार की बैजिंग करेगी, जिससे दिखाती है कि भाई हिल्स पे कितने अच्छे से महिंद्रा थार आपकी रन होती है। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं MRF के वॉन्डरर के टायर्स, जिसका टायर सेक्शन रहता है 225/65 R18 का, आपको इसमें अलॉय व्हील्स मिलता है, गन मेटल में आपको अलॉय व्हील्स प्रोवाइड करे गए हैं। थार की बैजिंग भाई साहब इसमें भी करी गई है, एंड जो आप डिस्क देख रहे हैं आपको फ्रंट में डिस्क मिलती है, एंड रियर में आपको ड्रम बेस प्रोवाइड करे गए हैं। फेंडर पे ही आपको मिल जाता है इसमें इंडिकेटर की प्लेसमेंट, एंड क्लैडिंग का साइज़ आप देख सकते हैं कितना ही ब्रॉड करा गया है, जो कि इसके लुक्स को और भी ज़्यादा मस्कुलर बना देती है, जिससे भाई सेगमेंट में काफ़ी अच्छी कार निखर के आती है। थार की बैजिंग आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एंड ओवारियम पे भी आपको थार की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। ओवारियम आपको हाथ से ही फोल्ड करने पड़ेंगे, ये आपको मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ओनली। जो वाइपर्स की प्लेसमेंट है वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भाई आपको सिंपल से नॉर्मल से वाइपर्स दिए गए हैं, एंड जो पहले थार आया करती थी आपने उसमें देखा होगा ये जो विंडशील्ड है इसको भी आप फोल्ड कर सकते थे, मगर जो अब नई थार आ गई है तो इसमें आपको वैसा फीचर नहीं मिलता है। वॉशर की प्लेसमेंट आपकी बोनेट पे कर दी गई है, एंड अगर आपको इसका बोनेट ओपन करना है तो सिंपली आपको यहाँ से पहले इस लॉक को हटाना पड़ेगा, एंड इधर से भी सेम आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ये हटाने के बाद फिर आप अंदर से इसको ओपन कर सकते हैं। सो अभी आप देख रहे हैं इसका पेट्रोल वेरिएंट, 2000 cc का इंजन आपको इसमें मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 150 bhp की पावर एंड 300 Nm का टॉर्क। ऐसा आवाज़ तो इसमें रहेगी, ऊपर में इंसुलेशन आपको कोई भी नहीं मिलता है। जब तक भाई थार के इंजन की नॉइस कान में ना पड़े तब तक लगता ही नहीं कि थार आपके बगल से गुजरी है, तो इस वजह से भाई इंजन नॉइस इसका काफ़ी लोगों को पसंद आता भी है। एंड जब आप इसको लॉक करेंगे तो सिंपल सा आपको बस इसको भी यहाँ से ऐसे प्रेस करना पड़ेगा, तभी ये कार आपकी लॉक होगी। सबसे पहले आपको ये स्टील रिम चढ़ानी है, एंड देन कवरिंग ऐसे क्लोज करनी है। सेम इस साइड पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ये स्टील रिम चढ़ानी है, एंड उसके बाद इसकी कवरिंग आप ऐसे क्लोज कर सकते हैं, तो भाई इससे आपकी फुल सेफ्टी हो जाती है। सो साइड प्रोफाइल से अगर आप लुक देखेंगे कार का, तो भाई देख सकते हैं कितनी ही मैसिव इसमें हाइट भी आपको मिल जाती है, अच्छी खासी आपको हाइट यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। एंड आपने देखा होगा भाई थार में आपको कहीं भी कोई एंटीना नहीं मिलता है, भाई रूफ में भी कोई एंटीना नहीं है, फ्रंट में भी यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो भाई एंटीना दिया कहाँ गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे MHawk की बैजिंग के बगल में यहाँ पे आपको एंटीना की प्लेसमेंट करी जाती है, तो ये भी काफ़ी यूनिक है, आप देख रहे होंगे भाई काफ़ी यूनिक जगह पे इसको प्लेस करा गया है। एंड जो फुटरेस्ट है ये आपके एक्सेसरी का पार्ट है, आपको इसको बाद में इंस्टॉल कराना पड़ता है। जो डोर हैंडल है वो आपको रॉ ब्लैक में मिल जाएंगे, एंड ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये फुल्ली कन्वर्टेबल आपको मिलता है, आप यहाँ से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से आपको ये सब चीज़ें खोलनी पड़ती हैं, यहाँ पे सारा आपको सब सिस्टम प्रोवाइड करा गया है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे कुछ बाहर खींच के निकाल के फिर यहाँ से आप इसका अनजिप करके ये सब खोल के आप सब कुछ इसको पूरा फुल ऑपरेटिंग वाली व्हीकल बना सकते हैं। अगर मैं बात करूँ अंदर से तो अंदर में भी आपको दिखा देता हूँ कि आप इसको कैसे अनरैप कर सकते हैं। तो यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं इसको इतने पे प्लेस करने के बाद आपको इसको ऐसे पुश करना पड़ेगा, एंड देन ये लॉक हो जाती है। सो अब ये लॉक हो गया है, एंड जब आपको इसको ओपन करना होगा तो सिंपली आपको इसको नीचे करना है, एंड ये यहाँ से ऐसे अनलॉक हो गया। इसके बाद आप वहाँ से भी आप स्विच को अनलॉक करेंगे, एंड देन इसको पूरा आप उतार के रख सकते हैं।
सिंपली आपकी एक फुल ऑफ रोडिंग वाली व्हीकल ये बन जाती है, जिससे जब आप पहाड़ों भी जाते हैं तो फुल्ली ऑफ रोडिंग व्हीकल आपको चाहिए होती है। भाई साहब बहुत ही अच्छे नज़ारे आते हैं जब इसका ये कवरिंग उतर जाती है। तो मैं कहूँगा अगर आप एक थार ले रहे हैं तो कन्वर्टेबल वाले लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी बैक प्रोफाइल से अगर आप लोग देखते हैं भाई कार का, तो सिंपल सा प्रोवाइड करा गया है। जो थार की नई टेल लाइट्स हैं वो काफ़ी सुंदर लगती है। इसमें भी थार की बैचिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ऑटोमेटिक की बैचिंग देखने को मिल जाएगी। एंड अगर मैं बात करूँ कुछ इसके इंटीरियर की, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा भाई। बूट स्पेस ना के बराबर आपको मिलेगा। बम्पर की प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं एंड काफ़ी बिग साइज़ के इसमें बम्पर प्रोवाइड करा गया है। दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको इसमें नहीं मिलता है। बाकी बैक प्रोफाइल से अगर आप लुक देख रहे हैं भाई, कितनी ही मैसिव ये लगती है एंड काफ़ी अच्छे लुक्स इसके आते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये रूबिकॉन की कॉपी है। कौन सी कॉपी? जीप रैंगलर की कॉपी लगती है। मगर ठीक है भाई, अपने सेगमेंट में सबको कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो भाई ये लुक काफ़ी पसंद आया है लोगों को एंड काफ़ी जनरेशन इसकी परचेसिंग हो भी रही है। तो इसकी वेटिंग पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। अब इसका 4x2 वेरिएंट भी आ चुका है, तो जो लोग थार नहीं परचेज कर सकते थे, मतलब उनको काफ़ी महंगी लगती थी, तो अब 4x2 वेरिएंट वो ले सकते हैं, वो 10 लाख में आपका आ जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके इंटीरियर में, दिखाते हैं उसमें क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। तो अभी मैं आ गया हूँ थार के इंटीरियर में, आप देख सकते हैं फुल्ली ब्लैक में इसका इंटीरियर आपको प्रोवाइड करा जाता है। वहीं अगर डोर का लुक आप देखते हैं, यहाँ पे भी आपको थार की बैचिंग देखने को मिल जाएगी। ओवरव्यूम को एडजस्ट करने के लिए बटन मिल जाएगा। और भाई साहब आपको यहाँ पे कोई भी आपको विंडो कंट्रोल्स नहीं दे रखे, वो कहाँ दिए हैं? वो आपको यहाँ पे सेंटर में दिए गए हैं, क्योंकि भाई इसमें दो ही आते हैं, दो ही डोर होते हैं, तो आपको केवल दो ही मिल जाते हैं आपको इसमें पावर विंडो कंट्रोल्स। बाकी अगर स्टेयरिंग व्हील की बात करी जाए तो ये आपको केवल टिल्ट मिलता है, कोई भी टेलीस्कोपिक फंक्शन नहीं यूज़ करा गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का आप लोग देख ही सकते हैं भाई, कितना ही नॉर्मल साइज़ का ही मिलता है, जो कि सारी थार में आया करता है। एसी वेंट्स में आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के यूज़ देखने को मिल जाएगा एंड क्रोम का भी इंसर्ट्स करा गया है। नीचे यहाँ पे आपको सारे एमआईडी के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, हेडलाइट एडजस्टमेंट का बटन एंड स्पीकर प्लेसमेंट आपकी यहाँ पे करी गई है। ये है आपका ऑटोमेटिक वेरिएंट, इसमें आपको केवल ब्रेक और एक्सेलेटर ही मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट का गियर नॉब, ये हो गया आपका 4x4 के गियर नॉब। इंफोटेनमेंट सिस्टम का आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आपको सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे, कार्बन फाइबर के भी यूज़ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है सारे एसी के कंट्रोल्स एंड नीचे आपको पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाएगा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड डिसेंट का भी बटन मिल जाएगा एंड ये हो जाता है आपका विंडोज़ लॉक करने का बटन। उसी के नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऑक्स का केबल, USB चार्जिंग एंड 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी प्रोवाइड करा गया है। प्लस यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग भी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो भाई यहाँ पे काफ़ी छोटा सा ग्रैब हैंडल आपको दिया गया है एंड उससे भी छोटा आपको दिया गया है इसमें ग्लव बॉक्स, जो कि ना के बराबर स्पेस आपको देता है। यहाँ पे महिंद्रा की सारी डिटेल्स आ जाएंगी एंड स्पीकर की प्लेसमेंट कर दी गई है। जो वैनिटी मिरर है आपको सनवाइजर में मिल जाता है, यहाँ पे भी सनवाइजर में आपको कुछ नहीं मिलता, केवल टिकट होल्डर प्रोवाइड करा गया है। जो IRVM है वो आपको मैनुअल ही एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी ऊपर का आप देख सकते हैं, ये से पूरा कपड़े का दिया गया है। बाकी जो फ्रेम है, चैसी फ्रेम है, वो आप देख सकते हैं यहाँ से पूरी आपकी बॉडी गई है, यहाँ से ये हो गया एंड पीछे भी आपको यहाँ पे स्पीकर प्रोवाइड करे गए हैं, आप देख सकते हैं। एंड जो लैंप है वो भी आपको फुल्ली LED में प्रोवाइड करी गई, जो कि काफ़ी अच्छा थ्रो देती है। तो भाई साहब ये हो गया आपकी बार, जिससे आपकी सेफ्टी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। जब आप ऑफ रोडिंग पर जाएंगे उसको आप ग्रैब करके आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं पीछे वाले पैसेंजर्स। एंड जब ये ऊपर वाला पोर्शन हट जाएगा तो भाई लुक बहुत ही अच्छे से निखर के आते हैं। सो सेकेंड रो का भी आप सीटिंग अरेंजमेंट देख सकते हैं, जिसमें दो लोग आराम से बैठ सकते हैं एंड उनकी एंट्री के लिए आपको इस सीट को आगे पुश करना पड़ता है। इस सीट को जब आप आगे पुश करेंगे तब यहाँ से ही एंट्री आपके सेकेंड रो के लिए होती है। सो अगर आप हैं एक प्रॉपर एडवेंचर लवर एंड चाहते हैं बहुत अच्छा एडवेंचर करना, तो आप थार 4x4 में कन्वर्टेबल वाला वर्जन जरूर पिक करेगा, क्योंकि भाई एडवेंचर के लिए आपको नेचर से रूबरू होना पड़ेगा एंड नेचर से रूबरू होने के लिए आपको थार में कोई भी रूफ नहीं चाहिए। जब आपके रूफ नहीं रहेंगे, खुले आसमान के नीचे आप काफ़ी अच्छा नज़ारा देख सकते हैं। तो भाई इसके लिए आप थार का कन्वर्टेबल वर्जन जरूर पिक कर लीजिएगा। इसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 18,53,000 रुपये। अगर आप लखनऊ से हैं तो आप शोरूम विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो आई होप मैंने आपको थार 4x4 कन्वर्टेबल वर्जन के सारी डिटेल्स प्रोवाइड करी हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।